तो नमस्कार दोस्तों, आपके मेरे चैनल देसी आर्टिक में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्टेप ट्रैकर के बारे में। अगर आप Xiaomi Mi या Redmi का डिवाइस यूज़ करते हैं तो इसमें आप कैसे स्टेप ट्रैकर को इनेबल कर सकते हैं, और स्टेप ट्रैकर को इनेबल करने के लिए आपको क्या प्रोसेस कंप्लीट करना है, कैसे आपको इंस्टॉल करना है, अगर आपको इंस्टॉल नहीं मिलता तो कहाँ से आपको इंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये टोटल चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि सबसे पहले स्टेप ट्रैकर को इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में ज़रूरत पड़ेगी ऐप्स बोल्ट की। तो ऐप्स बोल्ट को आप कैसे इनेबल कर सकते हैं, सबसे पहले इनेबल करने से पहले आपको यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको गेट्सअप में जाना है, और गेट्सअप में जाने के बाद सबसे पहले आप अपने मोबाइल को यहाँ पर नेट को ऑन कर लें। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है ऐप्स बोल्ट। तो यहाँ पर ऐप और यहाँ पर बोल्ट लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐप बोल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ये मेरा डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे देखने को मिलता है मोबाइल में, इसलिए ऑलरेडी ये इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपका इंस्टॉल नहीं दिखता है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इंस्टॉल करने के बाद उसके बाद आपको दूसरा काम क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल में ऐप्स बोल्ट को इनेबल करना है। तो आप देख सकते हैं कि अभी ऐप्स बोल्ट मेरा यहाँ पर इनेबल नहीं है। तो इनेबल करने के लिए आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा होम स्क्रीन एंड रिसेंट का। तो आप देख सकते हैं कि होम स्क्रीन एंड रिसेंट का जो ऑप्शन देखने को मिला, इस पर आपको टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद सेकंड नंबर में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐप बोल्ट का। तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड में जो ऑप्शन देखने को मिला ऐप बोल्ट का, इसको आपको यहाँ पर इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आप अगर यहाँ से फिर दोबारा निकलिएगा तो आपको यहाँ पे ऐप्स बोल्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि दोस्तों, ऐप बोल्ट का जो आपको लेटेस्ट अपडेट जो देखने को मिलता है वो आपको गेट्सअप से देखने को नहीं मिलेगा, वो हमेशा आपको प्ले स्टोर से देखने को मिलेगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ, और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद अगर माई ऐप्स में जाता हूँ, तो माई ऐप में जाने के बाद आपको गेट्सअप, ये आप देख सकते हैं कि माई ऐप में जाने के बाद यहाँ पर ऐप्स बोल्ट का अपडेट आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हेल्थ को आपको ऐप्स वर्ल्ड में कैसे इनेबल करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गेट्सअप में अगर जाने के बाद आप मी हेल्थ अगर सर्च कीजिएगा तो आपको हेल्थ का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, हेल्थ ऐप्स आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको इनेबल करने के लिए आपके पास दो प्रोसेस है, दो प्रोसेस से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले ऐप्स बोल्ट को इस प्रकार लेफ्ट से राइट स्वैप करना है। अब स्वैप करने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेप का एक ऑप्शन नज़र आएगा लिखा हुआ, और उसके नीचे में लिखा हुआ है सेटअप Xiaomi हेल्थ टू व्यू स्टेप कॉन। तो आप यहाँ से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर टैप करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि Xiaomi हेल्थ का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और इंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है तो आपको दूसरा ऑप्शन कहाँ से इंस्टॉल करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका मोबाइल में कैलेंडर तो ज़रूर होगा, तो मी कैलेंडर को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपको थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस थ्री डॉट के ऑप्शन पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा शो मेंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन। तो देख सकते हैं टाइम जोन के नीचे में जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसको आप जैसे इनेबल कीजिएगा तो यहाँ से भी आप Xiaomi हेल्थ को इनेबल कर सकते हैं। तो ये दो तरीका है कि आप इसको Xiaomi हेल्थ को यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करें कि स्टेप ट्रैकर में अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ पे फ्रंट में देखने को नहीं मिले तो इसको आप कैसे फ्रंट में ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऊपर में सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेटिंग के ऑप्शन पर आपको टैप करना है, और टैप करने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे रिकमेंडेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको जाना है। इस पर जाने के बाद यहाँ पे आपको नीचे जाना है। तो नीचे जाने के बाद आपको क्या है कि दोस्तों, अगर ये स्टेप वाला जो ऑप्शन अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे नीचे में प्लस देखने को मिल जाएगा, तो इसको यहाँ पर क्लिक करके इसको माइनस कर देना है, तो आपका यहाँ पर शॉर्टकट में ये कस्टमाइज होकर ऐड हो जाएगा। तो चलिए अब इसको इंस्टॉल करने के प्रोसेस को कम्प्लीट करता हूँ। तो चलिए इसको मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ देर में यहाँ पे वेट कर लेता हूँ,
और इसको इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको यहाँ पे सेटअप में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या नए फीचर देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन का ये प्रोसेस मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो ये देख सकते हैं अब कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से आपको बैक हो जाना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेप में अब आपको यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस सेटअप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एग्री में टर्म एंड कंडीशन कर को पढ़ लें और उसके बाद यहाँ पे एग्री कर दें। अब यहाँ पे एग्री करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ में आप देख सकते हैं तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, टाइम, उसके बाद डिस्टेंस और कैलोरीज। तो टाइम यहाँ पे बताएगा कि कितना उस टाइम आपने कितना घंटा यहाँ पे वॉक किया है, कितना किलोमीटर आपने चला है और कितना कैलोरी आपने बर्न किया है, वो डेली का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको कैसे आप एक्टिव कर सकते हैं, इसके लिए आपको चेंज गोल का जो ऑप्शन देखने को मिला इस पर आपको टैप करना है, और टैप करने के बाद आप डेली का चेंज गोल यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं कि डेली आप कितने हज़ार यहाँ पे स्टेप चल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे 6,000, 7,000, 8,000 वो अपने हिसाब से यहाँ पे सेटअप कर लें जितना आप चलते हैं, तो मिनिमम आपको कम से कम 5,000 यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे मैं सेटअप कर लेता हूँ 8,000 और इसको ओके कर देता हूँ। बस ये चीज़ आपको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे डेली का देखने को मिल जाएगा, वीकली का आप अगर क्लिक करते हैं तो वीकली आपने कितना यहाँ पे चला वो आपको देखने को मिल जाएगा, और मंथली अगर आपको देखना है तो मंथली आप यहाँ से देख सकते हैं। अब बात करें कि अगर आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना, अगर ये प्रोसेस आपको कहीं पे भी नहीं मिलता है, तो दोस्तों यहाँ पे मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप टेलीग्राम में जाइएगा तो टेलीग्राम में जाने के बाद आपको देसी आई टेक के नाम से एक ग्रुप मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं दोनों ऐप्स का इंस्टॉलेशन यहाँ पर APK फाइल छोड़ दूंगा, तो आप यहाँ से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।